ये देखो डोरमेट बनाने के लिए ये पुरानी चुन्नी हमने लिए हैं कुछ, ये देखें, ये देखें, और कुछ मैंने ये साड़ी ली है जो फटी हुई है, ये देखें। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, एक एक इंच की मान के चलिएगा, हमें एक एक इंच की पट्टी इसमें से निकालनी है। ये देखें कैंची की ज़रूरत पड़ेगी, कैंची से आपको काटना है। इस तरह से हमने निशान लगा लिए, ये एक इंच की है पट्टी, और इसको इस तरह से निकाल लेना है। इसी तरह से इसमें से निकाली जाएगी। अब इसमें से देखें, ये चुन्नी में से करीब 1.5 इंच की, साड़ी से आप 1 इंच की लेंगे क्योंकि साड़ी ये थोड़ी मोटी सी है और चुन्नी बिल्कुल हल्के कपड़े की होती है, इसलिए इसको 1.5 इंच के आसपास हमें काटनी है, नहीं तो आपका डोरमेट मोटा और पतला बनेगा। इस तरह से 1.5 इंच ले लीजिएगा, 2 इंच तक इसको निकालनी है। ये देखें इस तरह से हमने इसको निकालनी है। इसी तरह से मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको देखो मैंने इसको फाड़ लिया है। अब गोले किस तरह से बनाने हैं ये देखें, इस तरह से हम हाथों में जो चारों उंगली हैं इसमें इस तरह से लपेटते जाएंगे, यहाँ से जॉइंट खत्म। अब देखें दूसरा भी हम इसी तरह से, और यहाँ पे हम जॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि फिर उलझती ज़्यादा है, तो हम बगैर जॉइंट की सब ऐसी पट्टियाँ बना लेंगे। गोले को बना लेते हैं इस तरह से, ये देखें इसी तरह से सारे ये गोले बनाने हैं, तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने गोले बना लिए हैं, ये इस तरह से गोले बनाए जाएंगे, ये देखें इस तरह से बना लिए हैं। इसी तरह से आप भी बना लीजिएगा। बताऊंगी ये वाला डोरमेट, ये बहुत ही सुंदर बना है और मैंने हार्ट शेप में बनाया है। ये देखें अंदर हमने दिल शेप में बनाया है, बाहर मैंने ये कंगूरा वाला ये डिजाइन डाला हुआ है। इस तरह से इसका बॉर्डर चलेगा। तो ये मैंने भूल से बनाया है, ये 32 फिंदे में बनाया है, आपको मैं 20 फिंदों में बताऊँ। ये देखें ये कलर लिए हुए हैं, अब हम फिंदे डालेंगे। अब यहाँ पे मैं 16 फिंदे डालूंगी, तो 16 फिंदे डाल देखें। 4 फिंदे मैंने ऊपर ये वाले कलर से डाले, येलो कलर से, और 16 फिंदे हमने इस कलर से डाले, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 16, तो 20 फिंदे हो गए। अब देखें आगे कि हम डिजाइन किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें इस वाले फिंदे को बुनेंगे और यहाँ पे एक जाली बनाएंगे इस तरह से, ये देखें अंटा लगाते हुए इस तरह से। एक फिंदे को हमें बढ़ाना है, आप या फिंदे से फिंदा भी बढ़ा सकती हैं इसमें। अब यहाँ पे देखें 2 फिंदे को मैं बगैर बुना हुआ छोड़ देती हूँ और सिलाई को पलट लिया है। अब जो जैसा कलर है
पहले मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे का मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखें, हमें ये वाले फंदे सीधे बिनने हैं, उल्टे नहीं बिनेंगे। आप चाहें तो उल्टे भी बिन सकती हैं। इस तरह से हमें ये सीधा फंदा बुनना है, इस तरह से। आप उल्टे किस तरह से बिनेंगी वो भी मैं बता देती हूँ। सीधे आप बिनना चाहें तो सीधे भी बिन सकती हैं, इस तरह से उल्टे भी बिन सकती हैं। तो इस तरह से मैं भी उल्टे ही बिन लेती हूँ। दोनों तरह से ये फंदे बिन सकती हैं। आप देखें, ये चार फंदे हैं, वो चार ही फंदे रहेंगे। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से भी फंदे को बढ़ा सकती हैं। अगर जाली नहीं डालना चाहती तो इस तरह से भी फंदे को बढ़ा सकती हैं। तो फंदे से एक फंदे को हम डबल फंदा बना लेंगे। अगर आप जाली डालना चाहती हैं तो जाली भी डाल सकती हैं। अब दो फंदे में फिर से छोड़ दूंगी, ये देखें छोड़ दिए, उस सिलाई को यहीं से पलट लिया है। अब पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। अब देखें, ये बॉर्डर के चार फंदे इसी तरह से चलते रहेंगे। एक फंदे को हम बिन लेंगे और इस वाले फंदे को डबल फंदा बनाना है, इस तरह से। तो तीन फंदे बढ़ा लिए, हमें आठ फंदे बढ़ाने हैं और हमें जोड़े के हिसाब से दो दो करते हुए आठ फंदे छोड़ने हैं। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे का बताती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे 10 फंदे छोड़े हैं, 5 फंदे बढ़ाए हुए हैं। 8 की जगह पे मैंने 5 फंदे बढ़ाए हुए हैं। तो देखें, ये कपड़े से बना रही हूँ, इसमें मैंने 8 ही फंदे बढ़ाए हुए हैं इसमें। और ये कपड़े से बना रही हूँ इसलिए पट्टियों से, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर हम 3 फंदे और बढ़ाएंगे तो 6 सलाई निकालेंगे, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने 5 फंदे बढ़ाए हुए हैं। अब देखें, यहाँ पे ये 4 फंदे मैंने कम कर दिए, ये देखें। अब यहाँ पे देखें, 2 का 1 कर देंगे, सिर्फ एक फंदे को हमें कम और करना है यहाँ पे, फिर बाकी फंदे हम 4 इसमें बिन लेंगे। ये देखें, हमने 4 फंदे बिन लिए। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास 4 ही फंदे बचे हुए हैं और ये रो हम पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने फंदे बगैर बुने हुए छोड़े हैं वो भी, और ऊपर जो हमारे पास 4 फंदे एक्स्ट्रा बचे हुए थे वो भी, ये देखें। इधर से भी और उधर से भी जिस तरह से फंदे हैं, ये देखो मैंने बना लिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब फिर से देखें, इस वाले फंदे को उतार लिया, अब इस वाले फंदे को बुन लिया। यहाँ पे 1 फंदे से 2 फंदे बना, और 2 फंदे हम नीचे की साइड पे बगैर बुने हुए छोड़ देंगे। जिस तरह से हमने नीचे बनाया है उसी तरह से हमें इसको आगे भी बनाना है। ये देखें, 2 छोड़ दिए, सिलाई को मैंने यहीं से पलट लिया है। देख लें एक बार, यहाँ पे 1 फंदे से 2 फंदे, ये देखें 2 हो गए। और नीचे की साइड पे बराबर इसी तरह से हम छोड़ते रहेंगे,
दो दो करते हुए यहाँ पे पांच फिंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर आपको आगे का बताऊँ। मैंने बना लिया है इसको। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने चार फिंदे नीचे की साइड पे कम किए थे उसी तरह से हमें कम करना है। यहाँ पे हम तीन फिंदे एक साथ लेंगे, दो हम ये पर्पल कलर वाले ले लिए, ये देखें चार बुन लिए। अब हम यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे और सारे फिंदे ये नीचे की साइड पे ग्रीन हो जाएंगे। ये देखें ग्रीन कर लिए, ये देखें हार्ट शेप में ये बनके तैयार हो गया है इस तरह से। अब ये यहाँ पे ग्रीन डाल लिए, तो ग्रीन का जिस तरह से इसको बनाया है उसी तरह से आगे भी बनाते रहना है। इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, ये देखें इस तरह से इसको भी हम इसी तरह से बनाऊंगी, तो आप भी फटाफट बना लीजिएगा। ये देखो इसी तरह से बनाना है। अब इसको बनाएंगे ये ग्रीन वाली ऊपर, इसी तरह से ये चार फिंदे चलते रहेंगे, इसी तरह से आपकी ये डिजाइन बनती रहेगी।